अभी आपको ऑनलाइन क्रिएटर बनने में और भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर भाई लोग, यहाँ पर जिले ऐप पे एक न्यू अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि यार बहुत ही बुरा अपडेट आया है, क्योंकि इससे आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है। यदि आप एक जिली क्रिएटर हो तो इस वीडियो को कम्प्लीट लास्ट तक देखते रहिए यार, इस अपडेट के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है यदि आप एक वीडियो क्रिएटर हो, जिली यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिली अपने बहुत ही बुरा अपडेट किया हुआ है, यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा कि वो क्या अपडेट है और कैसे आपका यहाँ पर नुकसान होने वाला है उस अपडेट से वाला हूँ। तो यार वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिए। चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे जिले से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए यार शुरू करते हैं। आप ऑनलाइन क्रिएटर के लिए अप्लाई करते हो और आपका यहाँ पर ऑनलाइन क्रिएटर रीजन से किसी कारण से फेल हो जाता है और दोबारा आपको चांस मिलता है 7 दिन में, मतलब अप्लाई करने का, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए हैं। अब आपको मैं साइट में पहले मैं बता देता हूँ, लाइव प्रूफ आप अपना जिले ऑफिस खोल के आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं बता दूँ तो यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने जिली ऑफिस ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं अपने क्रिएटर सेंटर पे जैसे ही जाता हूँ, देख लीजिए ध्यान से, मैं अपने क्रिएटर सेंटर को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर क्रिएटर सेंटर को मैंने ओपन कर लिया है, इसके बाद मेरा क्रिएटर सेंटर यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अभी ऑरिजिनल क्रिएटर पेज का इसमें नहीं मिला है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर ऑरिजिनल क्रिएटर पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर बेनिफिट दिए गए हैं ऑरिजिनल क्रिएटर के, क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे आऊँगा तो नीचे आपको यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ डिटेल लिखी होगी जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है। इसके बाद मैं नीचे आपको क्या लिखा, री अप्लाई आफ्टर 30 दिन, मतलब कहने का मतलब है यदि आपका एक बार फेल हो जाता है, एक बार में आपका ऑनलाइन क्रिएटर का बैच आपको नहीं मिलता है तो आपको वापस से 30 दिन का वेट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर दोबारा से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो यार ये बहुत ही घटिया अपडेट आया जिली ऐप में, क्योंकि यार आपको पहले तो क्या होता है, पहले तो क्या होता था कि आपको यहाँ पर यदि आपका फेल हो जाता है, ऑनलाइन क्रिएटर का बैच आपको नहीं मिलता है तो आपको दोबारा से अप्लाई का चांस मिल जाता है 7 दिन में, पूरे पूरे 30 दिन बाद आप यहाँ पर दोबारा से अप्लाई कर सकते हो अपने ऑनलाइन क्रिएटर बैच के लिए। तो यार बहुत ही घटिया अपडेट है, आप लोगों को सोचा कि मैं बता दूं, यार ये बहुत ही ज़्यादा बेकार अपडेट है। तो यही बताना था आज की वीडियो में आपको, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।